नमस्कार, एनएसटीवी रेडियो में आपका स्वागत है। एक जानवर के लिए सगे भाई ने ली जान। शुक्रवार की अहले सुबह मैसाकुल के वार्ड संख्या 6 में एक सगे भाई ने एक बकरी को लेकर अपने मंजिले भाई उपेंद्र यादव को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल मामला मृतक उपेंद्र यादव की बकरी हत्यारोपित रूपेन यादव के वृक्ष से पत्ता खा रही थी। इसी बात को लेकर बड़े भाई विपिन यादव उपहत्यारोपित रूपेन यादव पर गुस्सा गए। तुतु में होते होते धक्का मुक्की भी होने लगा। खबर सुनते ही मंजिले भाई उपेंद्र यादव मामलात को शांत कराने का प्रयास किया। इसी बीच रूपेन यादव अपने घर से चाकू लाकर मामले में हस्तक्षेप कर रहे उपेंद्र यादव को मौत के घाट उतार दिया। बकरी जब पत्ता खेल तोड़का न एक पठरू जा ख्याल लगे वह पठरू जर ख्याल आलन हमारे बड़ा भाई रहे वो आदमी समझावे लगे मारे जे दिल पठरू तम रह गए मरी गए तो समझावे लगे कहने तो रस्सी रंग करे जब कोई बात भै गए अखनी अखनी दोन जर्मना देवा तो चक्कू चला दिल चक्कू चला दिल्क तो खून निकल लगे जा हबरी वह पकड़क एक चक्कू चला के मारल छोटका छोटकावा मार के दोनों भाइये हाँ दोनों भाई तीनों भाई है छोटकावा है बड़ा मझला बड़ा जो सीरियस की नाम बोल हमार मीना देवी एकर नाम भूपेन यादव नाम भूपेन यादव भूपेन यादव हाँ। नमस्कार, एनएसटीवी रेडियो में आपका स्वागत है। आज कांग्रेस कार्यालय गांधी आश्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी कांग्रेस सईद अनवसरूड के निर्देशानुसार प्रखंड स्तरीय चुनाव हो रहा है, जिसमें कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। ये क्या चुनाव है? चुनाव है प्रखंड अध्यक्ष का है, जिला डेलीगेट का है, प्रदेश का है, अध्यक्ष होना है और प्रखंड अध्यक्ष का होना है। आपका नाम? जफरुल हसन। आप किस पद पर अभी काबिज हैं कांग्रेस में? हम नी वर्तमान प्रखंड अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी अररिया। लोहिया स्वच्छता अभियान के अंतर्गत शौचालय निर्माण कार्य में लगे उत्प्रेरण के मानदेय भुगतान 2016 में नहीं कराया गया। इसमें ऐसा छात्र संगठन के राज्य अध्यक्ष मुख्तार एवं कार्यकारिणी सदस्य मुकेश परवारक के नेतृत्व में जिला मुख्यालय के विभिन्न चौक चौराहे से होते हुए जुलूस स्थानीय समाहरणालय परिसर में पहुंचकर अपना ज्ञापन जिला पदाधिकारी को सौंप कर अपने समस्याओं से अवगत कराया। इस अवसर पर संगठन के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रश्न कर रहे हैं आप लोगों की राज्य सरकार से क्या मांगे हैं? देखिए, एक वर्ष पहले लोहिया स्वच्छता योजना के अंतर्गत पूर्णिया जिला में कई लोगों ने शौचालय निर्माण का काम किया था, जिसको हम उत्प्रेरक और मोटिवेटर के बतौर जानते हैं, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद आज तक उन्होंने जो काम किया है उस काम के एवज में जो पैसा 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उनको मिलना था आज तक उनको नहीं मिला है। आगे आप लोग क्या करने आप जानते हैं कि स्वच्छता अभियान के नाम पर इतना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, विज्ञापन पर इतना खर्च किया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि शौचालय निर्माण में जो सीधे सीधे लोग शामिल हैं, काम कर रहे हैं, उनको अब तक पैसा नहीं मिला है। आज हम लोग डीएम के समक्ष प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर पूर्णिया जिला प्रशासन इसमें सकारात्मक पहल नहीं करता है, जो लोग काम किए हैं उनको अविलंब भुगतान नहीं करता है, तो आने वाले समय में इस आंदोलन को हम और उग्र करेंगे और तेज करेंगे। मुख्तार, बिहार राज्य अध्यक्ष, छात्र संगठन आईसा।